ओए क्या हाल चाल। ओए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ DJI एक्शन 4। एक्शन 4 को हेलमेट पे कैसा माउंट करें ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। झटपट फटाफट हम लोग करेंगे ये माउंटिंग, कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं थोड़े से ट्रायल मैंने वीडियोस लिया था जो मैं वीडियो में ऐड करके बताने वाला हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स चेक द DJI एक्शन 4 एंड हाउ टू माउंट इट ऑन योर हेलमेट। सो लेट्स वॉच द वीडियो। तो ये है DJI Osmo Action 4 का एडवेंचर कॉम्बो सेट। इसके अंदर क्या क्या आता है, इतने सब बॉक्स में क्या क्या आपको मिलेगा मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें ये DJI Action 4 का बहुत प्यारा छोटा सा एकदम कैमरा है जो बहुत बल्की भी नहीं है। आपके हेलमेट में अगर आपको कहीं पर भी फिट करना है तो बहुत ईजीली आपको, बहुत हैंडी है ये, बहुत अच्छा है। आपको ये साइड पर रखते हैं। इसमें बाकी आपको मिलेगा ये सेल्फी स्टिक जो बहुत लंबा हो जाता है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। आपको मिलेगा एक कैमरा, एक सेल्फी स्टिक। आपको माउंट करने के लिए कहीं पर ऐसा स्टिक वाला चाहिए तो आपको ये माउंट आ जाएगा, चार्जिंग केबल आ जाएगा, 3 बैटरी मिलेगा आपको एडवेंचर कॉम्बो सेट लेते हो तो। और ये उसका बहुत अच्छे से आपको ये चार्जर मिल जाएगा जिसमें आप ये चार्जिंग कर सकते हो। और इसमें आपको ये चार्जिंग इंडिकेट भी करता है कि ये कितना चार्ज्ड है। अगर चार्ज नहीं होगा तो ये रेड मार्क आएगा एंड अगर हाफ़ चार्ज है तो ऑरेंज मार्क आएगा। बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी है। इसके साथ में आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा लेंस कवर भी। ये लेंस कवर आप चेंज कर सकते हो अगर आपका ये ख़राब हो गया तो। आपको मिलेगा ये एक केस इसके लिए। सबसे मेन चीज़ आपको मिलेगा इसमें ये 2 माउंट्स, मैग्नेटिक माउंट्स जो DJI को डायरेक्टली आप फिट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कहीं पर भी। ये हो गया फिक्स, ये आप अभी इसको कहीं पर कुछ भी करो ये निकलेगा नहीं, खींचोगे तो भी नहीं निकलेगा। इसमें बटन से आप ये बटन प्रेस करोगे तो इजीली निकल जाएगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स है। आई एम श्योर आप किसी ना किसी का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फ़ीचर्स क्या है। बट ये फ़ीचर्स के बारे में मैं कुछ भी आपको बताने नहीं वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ इसमें बताने वाला हूँ कि इसमें माउंटिंग कैसा करना है। और मेरे आगे आने वाले ट्रैवलिंग व्लॉग्स जितने भी बनेंगे मेरी बाइक के ऊपर, जितना भी राइडिंग वाले व्लॉग्स होंगे, ये सारे व्लॉग्स अब बनेंगे DJI एक्शन 4 में, Osmo एक्शन 4 में, जो बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। मैंने कुछ ट्रायल वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ आगे चल के। सबसे पहले मैं आपको माउंटिंग का बताता हूँ कि इसमें माउंटिंग के लिए आपको क्या क्या लगेगा हेलमेट पे। इसे ओपन करके इसमें आपको सबसे पहले डालना पड़ेगा एक मेमोरी कार्ड एंड आपको इसमें डालना पड़ेगा बैटरी। बैटरी भी बहुत अच्छी दी हुई है, ये चली गई बैटरी, ये हो गया लॉक। आपको सबसे पहले हेलमेट के लिए लगेगा, अगर आपका हेलमेट है तो हेलमेट का स्ट्रैप माउंट या हेलमेट जो माउंट स्टिक माउंट आता है, आपको एक हेलमेट माउंट लगेगा। हेलमेट माउंट के बाद में आपको लगेगा एक जे माउंट, ये इसे बोलते हैं जे माउंट। ये जे माउंट से भी काम नहीं चलेगा, आपको अगर व्यू प्रॉपर चाहिए तो इसके लिए आपको एक एक्सटेंडर भी आता है, आपको वो भी लेना पड़ेगा। ये है एक्सटेंडर, ये सिंगल वे, ये सेम डायरेक्शन एक्सटेंडर आता है जो आपको लेना पड़ता है। ये 2 चीज़ें सबसे मेन है जो आपको लेना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये एक्सटेंडर मैं फिक्स कर रहा हूँ इसमें। ये एक्सटेंडर फिक्स करने के बाद में आपको इसका, इसमें 2 टाइप के आपको माउंटिंग मिल जाएंगे, एक शॉर्ट माउंट है, एक लॉन्ग माउंट है। ये लॉन्ग माउंट आप सेल्फी स्टिक के ऊपर लगा दो और हम हेलमेट के ऊपर लगाएंगे ये शॉर्ट माउंट वाला। इसमें भी DJI लिखा हुआ है, DJI वाला आगे आना चाहिए, जो DJI लिखा हुआ है ये फ्रंट एज में आना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक है वो। इसे यहाँ पर लगा देते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको कुछ भी सुपर टाइट नहीं करना है। अगर आप टाइट करोगे तो ये चीज़ें क्रैक हो जाएगा, ये प्लास्टिक का आता है, फाइबर का आता है, ये ख़राब हो जाएगा। अब आपको ये हेलमेट में माउंट कर देना है। ये देखो ये हेलमेट पे इजीली माउंट हो गया, माउंट भी हो गया। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपका ये माउंट कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता, आपको आपके सिटिंग के हिसाब से इसको एंगल सेट करना पड़ता है क्योंकि आप जब भी हेलमेट पहनते हो तो ये एंगल आता है हेलमेट का, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा कर्व रखना पड़ता है।
नहीं तो फिर अगर आपका ये सीधा रखोगे तो हेलमेट आप पहनने के बाद में डायरेक्टली मीटर पे ये फोकस करेगा, आपका ये फ्रंट में फोकस करेगा ही नहीं, स्काई दिखाएगा ही नहीं, इसलिए आपको ये एक्सटेंडर की ज़रूरत पड़ती है एंड आपका ये एंगल ऐसा सेट होना चाहिए। अब इस एंगल में मैंने जो फुटेजेस ली है ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट इसमें एक सबसे बड़ी खास बात है, आपको दूसरे एक्शन कैम्स के जैसे इसमें कोई भी अडेप्टर या मीडिया मोड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप डायरेक्टली माइक ज्वाइंट कर सकते हो जो सी टाइप वाला है, बहुत सिंपल है। ये हेलमेट के अंदर आप इसको माउंट कर दो एंड ये इसका सॉकेट खोल के ये सॉकेट आप संभाल कर रख दो घर पे या आपके पॉकेट में, इसे संभाल कर रखो, इसे घुमाना मत, और ये डायरेक्टली यहाँ पर लग जाएगा जो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई भी मीडिया मोड या अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली यहीं पर लग गया और ये हेलमेट के अंदर आपको ये सेट कर देना है, माइक आपका चालू हो जाएगा। फैंटास्टिक है ना, बट ये वाटरप्रूफिंग नहीं है, वाटरप्रूफिंग के लिए आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जो क्ले आते हैं वो क्ले आपको यहाँ पर लगा के थोड़ा वाटरप्रूफिंग करना पड़ेगा। अगर आप उतना भी नहीं करना चाहते हो तो आप ये निकाल दो और इसका ये जो ढक्कन है, जो साइड डोर है, ये आप फिक्स कर दो। ये हो गया फिक्स, है ना एकदम कमाल का, एकदम परफेक्टली फिट होने वाला, कुछ बल्कि नहीं होता है, कुछ भी नहीं, प्रॉपर एंगल सेट है। इसके जो रिकॉर्डिंग्स है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें वन क्लिक आपको मिल जाएगा। आपको अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो आप इसको खाली ऐसा टैप कर दो, इसमें रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। और अगर आपको देखना है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है तो ये फ्रंट में आपको टैप करना पड़ेगा, तो फ्रंट में भी आपको दिखाई देगा कि एक स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन में भी आप सब एडजस्टमेंट्स कर सकते हो फ्रंट में। बहुत इजी है, बहुत अच्छा टच है इसका, जितने फंक्शंस आप पीछे कर सकते हो वो आगे भी कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह आप सब इसमें कर सकते हो, मैंने मेरे हिसाब से सेटिंग करके रखा है। इसका DJI का ऐप है, ऐप के अंदर जाके आपका बहुत फास्ट ट्रांसफ़र आप कर सकते हो मोबाइल और आपके DJI एक्शन कैम में। तो चलो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको रील के लिए कुछ शूट करना है तो आपको लगाना पड़ेगा ये माउंट, ये माउंट लगाना भी बहुत इजी है। ये माउंट के अंदर चला गया आपका एक्शन कैम और ये कर दिया लॉक, इसमें भी नीचे मैग्नेटिक दिया हुआ है, तो ये जो सेट था ये हमने सेट कर दिया यहाँ पर। अब ये एंगल सेट हो गया आपके रील्स बनाने के लिए, एंड इसको निकालना भी बहुत इजी है, ये सिर्फ आप दोनों साइड पे आपका बटन है, बटन इसको प्रेस कर दो और ये बाहर आ जाएगा। ये माइक जो डायरेक्टली फिट हो जाता है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ, जो अमेजोन से मैंने लिया था, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। इसमें सी टाइप वाला ये माइक है, आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपको सेल्फी स्टिक के ऊपर लगाना है, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी अगर फिट करना है तो ये हो गया फिट, अभी मस्त मैं अपना सेल्फी ले सकता हूँ, है ना कमाल का। और अगर आपको ये हेलमेट माउंटिंग सिस्टम अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पे ठोको यो। क्या कोस्टल रूट है ये दमन का, मजा आ गया एकदम, क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है, और कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन है। आज संडे तो क्राउड भी ज़्यादा है। मेरा बर्गर है, ये भी मेरा बर्गर है। यो ये हमारा रूम है गाइस, मस्त एकदम, टीवी है यहाँ पर, हमारा बेड है, सोफा है, कैबिनेट है, यहाँ पर काम करने के लिए डेस्क है, यहाँ पर मिरर है जिसमें मैं दिखता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास, और मेरी बेबड़ो भी मस्त दिखती है। बाहर बैठने के लिए बहुत प्यारी सी जगह है एंड यहाँ पर है स्विमिंग पूल।